पंजाबी गानों के शौकीन चाहे वो भारत में रहता हो या फिर विदेश में, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने सिद्धू मूसेवाला का नाम नहीं सुना होगा। सिद्धू की फैन फॉलोइंग पूरे विश्व में थी। जुलाई में उनका कॉन्सर्ट सिंगापुर में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब के मनसा जिले के जवाहर गांव में मूसेवाला पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके फैंस में मायूसी छाई हुई है। सिद्धू के फैंस बेहद दुखी हैं। 25 मई को सिद्धू सिंह मूसेवाला ने लेवल्स का वीडियो रिलीज किया था, जो आज भी म्यूजिक में ट्रेंड कर रहा है। अगले महीने 17 जून को सिद्धू का जन्मदिन भी आने वाला था। सिद्धू सिंह मूसेवाला की बात करें तो हाल ही में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। कहा जाता है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकियां होने के कारण कांग्रेस में शामिल हुए थे। मूसेवाला ने मनसा से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला की उम्र अभी मात्र 29 साल थी, लेकिन उनकी ख्याति जितनी म्यूजिक में थी उतनी ही विवादित छवि भी थी। आइए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला और उनसे जुड़े हुए विवादों के बारे में। कहा जाता है सिद्धू ने किसी दूसरे के लिखे हुए गाने कभी नहीं गाए, बल्कि अपने खुद के लिखे हुए गाने गाते थे। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। 17 जून 1993 को जन्मे शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला मनसा जिले के मूस गांव के रहने वाले थे। मूसेवाला के लाखों में फैन फॉलोइंग है और वह अपने गैंगस्टर रैप के लिए लोकप्रिय थे। सिद्धू मूसेवाला की मां गांव की सरपंच थी। सिद्धू ने खुद इलेक्ट्रिक इंजीनियर से डिग्री की थी। अपने कॉलेज के दिनों में ही सिद्धू ने संगीत सीखा और बाद में कनाडा चले गए। सिद्धू मूसेवाला ने करियर की शुरुआत लाइसेंस गाना लिखकर की, जिसे निंजा ने गाया था। इसके बाद ही उन्होंने गीतकार और गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। सिद्धू मूसेवाला को सबसे विवादास्पद पंजाबी गायकों में से एक माना जाता है। आरोप लगता था कि सिद्धू खुले तौर पर बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, उत्तेजक गीतों से गैंगस्टरों का महिमा मंडन करते हैं। सितंबर 2019 में रिलीज हुए सिद्धू मूसेवाला के गीत चट्टी जियो ने मोड़ दी बंदूक वर्गी ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के साथ जुड़ा था, जिसके बाद सिद्धू पर सिख योद्धा की छवि खराब करने का आरोप लगा था। हालांकि उसके बाद मूसेवाला ने बाद में माफी मांग ली थी। मई 2020 के बरनाला गांव में फायरिंग रेंज पर फायरिंग करते हुए एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में संगरूर की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। एक और गाना संजू भी जुलाई 2020 में रिलीज हुआ, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये गाना AK-47 फायरिंग मामले में सिद्धू मूसेवाला को जमानत मिलने के जस्ट बाद रिलीज हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया पर रिलीज हुए गाने में अपनी तुलना अभिनेता संजय दत्त से की थी। सिद्धू मूसेवाला 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान काफी प्रसिद्ध हुए। इन कानूनों को अब निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने किसान संघों द्वारा चलो दिल्ली के विरोध के आह्वान में अपना समर्थन दिया था। बाद में पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में आ गए, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। मनसा से वो चुनाव हार गए और अब जिंदगी से भी। बता दें कि एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा सरकार ने वापस ले ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।